पंजाब में डकैती की वारदातों में इजाफा, डाकू सरेआम दुकानें लूटने लगे। मुरीद के करीब रावी रियान में बेकरी में गन पॉइंट पर डकैती की वारदात, डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद से। जी जुबैर बताइएगा। जी देखिए, पंजाब में डकैती की वारदातों में जो है इजाफा होने लगा है। डाकू जो है सरेआम गन पॉइंट पर मुख्तलिफ दुकानें लूट रहे हैं। मरीज के करीब रावी रियान में एक डोरे बेकरी है, वहां पे आज रात को जो है एक शख्स आया। उसने ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हुई थी और हाथ में पिस्टल रखा हुआ था। पहले उसने उस बेकरी से जूस खरीदा, उसके बाद जब जूस की पेमेंट करने लगा तो साथ ही उसने पिस्टल लगा लिया और काउंटर पर बैठे अफराद को जो है गन पॉइंट पर उसने कहा कि आपके जो है गले में जितने भी पैसे हैं मुझे थमा दिए जाएं। तो वहां से वो लाखों रुपए चुरा कर जो है वहीं पे खड़ा रहा। तकरीबन दो मिनट वो वारदात में मुलव्वस रहा और दुकानदार जो थे काउंटर पर वो सहमे हुए थे, क्योंकि उनके डाकू के हाथ में पिस्टल था और मुसलसल धमकियां दे रहे थे कि अगर आपने किसी को कॉल की या किसी को बुलाने की कोशिश की तो यहाँ से जो है डाकू का ये कहना था कि हम फायर चला देंगे। दो मिनट तक वारदात करते रहे, लाखों रुपए लूट कर जो है मौके से फरार हो गए। दुकान के मालिक का ये कहना है कि जो डाकू है वो बगैर किसी खौफ से दो मिनट तक काउंटर पर खड़े रहे और उन्होंने जो है लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद।